अब वक्त हो चला है बधिरों के लिए समाचार का। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ बारिश से पैदा होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मॉनसून के आगमन के साथ देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। इन्हीं से निपटने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ईटानगर से जो तस्वीरें सामने आई उसमें हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। वहां की सड़कों पर हर तरफ सैलाब देखने को मिला। बादल फटने के बाद ईटानगर के कई हिस्सों से भूस्खलन की खबरें सामने आई। भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की परीक्षा दोबारा हो रही है। 7 सेंटर पर यह परीक्षा चल रही है। कड़ी निगरानी में ये परीक्षा कराई जा रही है जिसमें सिर्फ ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर नीट पेपर लीक केस में देवघर से गिरफ्तार आरोपियों से पटना में ईओयू ने पूछताछ की है। झारखंड के रांची, हजारीबाग तक पेपर लीक के तार जुड़े हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद को दोबारा बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक भी बनाया गया। मायावती ने आज लखनऊ में बीएसपी के सभी प्रदेश प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की जिसमें आकाश आनंद भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आकाश आनंद ने मायावती का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं मायावती ने सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग में फायरिंग मामले में फरार चल रही लेडी डॉन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में लेडी डॉन अन्नू जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन पर दिखी है जिसने मुंबई जाने वाले ट्रेन पकड़ी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अन्नू कितनी जल्दी में है। सीसीटीवी में अन्नू ट्रॉली बैग के साथ तेज कदमों से रेलवे स्टेशन पर जाती नजर आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में एक प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस हत्यारे की पहचान करने में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दो बदमाश बाइक से उतरकर प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। जहां प्रॉपर्टी डीलर अपनी जान बचाने के लिए भागे पर अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और गोली मारकर हत्या कर दी। बधिरों के समाचार में फिलहाल इतना ही। Z News।